इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अदालतों में वकीलों को बहस करने और व्यक्तिगत तौर पर मुकदमे को दाखिल करने की इजाजत नहीं मिलती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल वाद और आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाने की व्यवस्था की है, लेकिन अधिवक्ता इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय कनेक्टिविटी बेहद खराब रहती है, जिससे केस पर असर पड़ रहा है। इस मामले में अवध बार एसोसिएशन लखनऊ बेंच के जनरल सेक्रेटरी शरद पाठक ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आ जाता, तब तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी इतनी है कि इतनी बड़ी एशिया की बिल्डिंग होने के बावजूद यहाँ पे ना फिजिकल हेयरिंग हो रही है, ना फिजिकल फाइलिंग हो रही है, जबकि इससे बहुत छोटी बिल्डिंग हाईकोर्ट की है और वहाँ वकीलों की संख्या भी बहुत है। यहाँ तो वकीलों की संख्या भी उतनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़िले हैं, यहाँ पर 14 ज़िले ही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे इलाहाबाद में फिजिकल फाइलिंग, फिजिकल हेयरिंग, ई फाइलिंग और दोनों तरीके से हो रही, वैसे ही यहाँ भी हो। यहाँ हम लोग के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बावजूद 53 कोर्टें हैं और आप कह रहे हैं फिजिकल हेयरिंग हम नहीं करेंगे। तो घर पे बैठे अधिवक्ता, हर किसी के पास इतनी अच्छी कनेक्टिविटी भी नहीं है कि वहाँ से लिंक कर सके, प्लस इनका सर्वर डाउन रहता है। 20 से 25 MBPS की इन्होंने स्पीड ले रखी है, उस पर पूरा हाईकोर्ट चलाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि कम से कम 100 MBPS की स्पीड ही आप ले लीजिए। आप नहीं फिजिकल खुलवा सकते हैं तो कम से कम अपनी कनेक्टिविटी तो अच्छी करिए। बच्चों को स्कूल में देखता हूँ, 2-2 घंटे क्लास चलती है, सब कुछ होता है, लेकिन इतना बड़ा हाईकोर्ट ये अपना ना सर्वर सही कर पा रहे हैं, ना नेटवर्किंग व्यवस्था सही कर पा रहे हैं। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे, हम लोग नए कार से व्रत रहेंगे। आश्वासन के हमको 12:30 बजे अभी सूचना मिली है, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे माननीय अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट श्री SJS परिहार जी को बुलाया गया है। और जैसे इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, 15-20 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो हम लोग ने रात में 10:30-11 बजे स्ट्राइक की घोषणा की थी, तो इन लोगों ने, उच्च न्यायालय ने जो है दोनों तरीके से हेयरिंग चालू कर दी थी। अब देखते हैं 12:30 बजे इन्होंने मीटिंग में बुलाया, क्या डिस्कस लेते हैं, लेकिन हमारी यही मांग है और हमारे हुए हैं कि फिजिकल हेयरिंग और फिजिकल फाइलिंग दोनों हों। धन्यवाद जी। मैं SDC समदर सिंह, उपाध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन। सर, आज से आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग बैठे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग 6 महीने से झेल रहे हैं, या पूरा अधिवक्ता समाज झेल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही है, फिजिकल, ईमेल सब हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईमेल फाइलिंग हो रही और फिजिकल नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ हो यहाँ होना चाहिए, इलाहाबाद में जैसा है वैसा ही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ अभी हम लोगों ने कल रजिस्ट्रार से बात किया, रजिस्ट्रार ने कोई बात सुनी नहीं हम लोगों की, जज से बात कर रहे हैं कोई बात नहीं हो रही, तो हम लोग हड़ताल पे हैं। जब तक ये लोग फिजिकल फाइलिंग, फिजिकल हियरिंग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। सर, आपने अपनी मांगे रखी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है। अभी हम लोग 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।